हेलो गाइस, वेलकम टू आर चैनल। सो आज हम आए हुए हैं होंडा शोरूम और ये है आपके सामने खड़ा हुआ है होंडा अमेज का बेस्ट वेरिएंट, जो कि काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट माना जाता है। और कुछ ऐसी ग्रिल मिलती है, आपको देख सकते हैं बड़ा सा क्रोम आपको बीच में देखने को मिलता है, जो कि आपको ऑल ओवर द फ्रंट फेस ये देखने को मिल जाएगा। और तीन लाइनिंग आपको मिलती है क्रोम की, जो कि फेस में अटकी गई हैं। और ये रेडिएटर ग्रिल कुछ ऐसी मिलती है, इसमें आपको कोई भी फॉग लैम्प नहीं मिलता। और इसमें आपको देख सकते हैं फॉग लैम्प पर आपको क्रोम गार्निश मिल जाती है। और इसमें आपको नॉर्मल हेडलैम्प्स मिलते हैं रिफ्लेक्टर बेस्ड, और आपको नॉर्मल हेलोजन हेडलैम्प, इंडिकेटर, पार्किंग लाइट, सारी हेलोजन मिलती हैं आपको। इसमें आपको कोई भी DRL का ऑप्शन नहीं मिलता। और चलते हैं अब इसके साइड लुक पे। सो कुछ ऐसा साइड लुक मिलता है आपको इस पर। डोर कलर बॉडी हैंडल्स मिल जाते हैं आपको इसमें, और इसमें आपको कोई भी अलॉय का ऑप्शन नहीं मिलता। इसमें आपको नॉर्मल व्हील कवर्स आते हैं। और इसमें आपको टायर सेक्शन भी आपको थोड़ा छोटा ही मिलता है, जो कि R14 का मिलता है, 175/65 R14 14 इंच की रिम साइज मिलती है आपको। फ्रंट डिस्क मिल जाता है इस पर आपको स्टील रिम में। और इसमें आपको सबसे अच्छा ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि आपको फेंडर पे इंडिकेटर नहीं दिया गया, हालांकि ये बेस मॉडल है। इसमें आपको ORVM पे हिटानी इंडिकेटर का ऑप्शन मिल जाता है, बड़ा सा ORVM दिया गया आपको। इधर पर आपको कीलेस एंट्री का ऑप्शन कोई नहीं है, तो आपको यहाँ पर किला आगे ओपन करना पड़ेगा। और काफ़ी अच्छा ORVM देख सकते हैं, और कुछ ऐसी दिखती है हमें इस साइड से। काफ़ी अच्छा व्हील बेस दिया गया है, और कुछ ऐसा टेल लैम्प है इसका गाड़ी का, जो कि आपको यहाँ पे LED पे ही मिल जाते हैं आपकी ब्रेक लाइट वगैरह। और हेलोजन भी मिल जाते हैं आपको इंडिकेटर्स, बैक लाइट, या IV टक्की बैजिंग, हालांकि ये 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन है। सारे पावर फिकर्स आपको आपके स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे, बड़ा सा होंडा का लोगो सेंटर पे। इस पर आपको कोई भी पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, और हमें इसकी पैकिंग इधर मिल जाती है। इसमें आपको डिफॉर का ऑप्शन मिल जाता है, डिफॉर का ऑप्शन इसमें आपको नहीं मिलता है, वो आपको ऊपर वाले विंडो मिलेगा। ये ब्रेक लाइट सार्क मिनटीना मिल जाता है इसमें आपको। चलते हैं इसके बूट की ओर, आपको बूट स्पेस कितना मिलता है देखते हैं। सो इसमें आपको बूट ओपन की बटन भी आपको आगे से ओपन करना पड़ेगा, पीछे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं। सो हम ओपन करके आते हैं पहले सामने से इसका बूट। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा इसका बूटलेट मिलता है, जो कि आपको यहाँ से ओपन करना पड़ेगा, पीछे से आप ओपन नहीं कर सकते। सो कुछ ऐसा बूट मिलता है आपको, इसमें आपको बूट लैम्प मिल जाता है, और देख सकते हैं काफ़ी डिसेंट साइज का बूट स्पेस है। और इसकी स्टेपनी भी आपको मिल जाएगी काफ़ी डिसेंट साइज़ की, जो कि आपको नॉर्मल वही साइज़ की मिलती है, 175/55 R14। चलते हैं इसके बैक सीट पे। इसमें आपको पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं बैक पे, 4 पार्किंग सेंसर्स, और रिफ्लेक्टर्स मिल जाएंगे बम्पर पे आपको, क्रोम लाइनिंग मिल जाती है आपको बम्पर पे ही। सो काफ़ी अच्छा है ये, बेस मॉडल में भी सब कुछ मिल रहा है। और काफ़ी बड़ा विंडो एरिया दिया गया है विद क्वार्टर पैनल, जो कि काफ़ी रूमी और एयरी फील कराएगा आपको अंदर। और कुछ ऐसा बीज एंड ब्लैक कलर में मिलता है आपको डोर बैक साइड का, ये सिल्वर कलर में आपको मिल जाएगा डोर ओपनर, ऑटोमेटिक पावर विंडो, ये आपको हार्ड प्लास्टिक ये मिल जाएगा आपको, और फैब्रिक अपलास्टिक मिल जाएगी आपको सीट पे, इंडिकेटेड आर्मरेस्ट के साथ, 2 कप होल्डर के साथ मिल जाएगा आपको आर्मरेस्ट। और चारों डोर में आपको स्पीकर्स मिल जाएंगे, और इस पर आपको ट्विटर का कोई ऑप्शन नहीं है। सो इसमें आपको 4 स्पीकर्स मिलते हैं, और काफ़ी अच्छा स्पेस है आपको बैक सीट पे, और काफ़ी अच्छा था साइड सपोर्ट है, बट अच्छी इंक्लाइनिंग एंगल के साथ दी गई है कुछ सीट। अब चलते हैं इसके फ्रंट डोर पे, फ्रंट डोर पे आपको क्या क्या मिलता है। तो कुछ ऐसा फ्रंट डोर आपको मिलता है इसका, फ्रंट डोर पे आप देख सकते हैं यहाँ थोड़ा फैब्रिक टच दिया गया है इस साइड पे, और सारा कुछ हार्ड प्लास्टिक है। चारों पावर विंडो विथ ड्राइवर साइड ऑटो और पॉटोडांग के साथ मिलता है, लॉक अनलॉक बटन, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ORVM कंट्रोल, यहाँ आपको सारा ऑटोमेटिक ORVM मिलता है, फोल्ड एंड फोल्ड भी ऑटोमेटिक ही है। और कुछ ऐसी स्टेयरिंग व्हील मिलती है आपको, इसमें आपको कोई क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन नहीं आता है। इसमें आपको मीटर कंट्रोल्स, म्यूजिक कंट्रोल्स और फोन कंट्रोल मिल जाएंगे, और सामने के हेडरेस्ट मिल जाएंगे आपको एडजस्टेबल, और काफ़ी अच्छी सीट दी गई है इसमें आपको फैब्रिक की, और हेडलाइट लेवलर, AC वेंट्स, और कुछ ऐसा मिलता है आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर। इसमें आपको बेस मॉडल में काफ़ी छोटी MID मिलती है सेंटर पे, या आपका RPM मीटर या आपका स्पीडोमीटर हो गया। कुछ ऐसा स्टेयरिंग व्हील, जो कि टिल्ट और टेलीस्कोपिक कुछ भी नहीं आता है शायद, नहीं शायद
इसमें आपको टिल्ट का ऑप्शन है, टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं है, टिल्ट का ऑप्शन इसमें आपको दिया गया है जो कि आपको नीचे से कर सकते हैं। और इसमें आपको ऑटोमेटिक एसी का कोई ऑप्शन नहीं है, इसमें आपको मैनुअल एसी का ही ऑप्शन है। और पावर आउटलेट 12 वोल्ट का, यूएसबी चार्जर, 5 स्पीड गियर बॉक्स जो कि आपकी पावर प्रोड्यूस करता है 90 बीएस की, और कुछ ऐसा क्रोम लाइनिंग दी गई है सबको गियर बॉक्स के चारों तरफ। ये है आपका कुछ ऐसा ग्लव बॉक्स डिसेंट साइज़ का, और सिल्वर टच दिया गया आपको डैशबोर्ड पे इधर, और काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे दिया गया है म्यूजिक सिस्टम, छोटा सा आपको नॉर्मल मीडिया कंट्रोल वाला, और देख सकते हैं इस क्रोम टच दिए गए हैं एसी में, और काफ़ी अच्छा डैशबोर्ड दिया गया है। यहाँ आपको मैनुअल आईआर में मिलता है। सो ये रहा कुछ ऐसा रिव्यू इसका। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।